हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में। माय नेम इज अभित मिश्रा, आई एम योर जीए एजुकेटर, और हम आज बात करेंगे जीए मींस क्लास 11 की। आई होप कि आप लोग सब लोग अपना कंटेंट रेडी करके आए होंगे और मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने में सक्षम होंगे। शुरू करते हैं गाइस अपना सेशन और स्टार्टिंग करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर से। और मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, लेकिन उसके पहले गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बिगेस्ट सेल डेज चल रहा है गाइडली पर। आप एक्सप्रेस वीडियो कोर्स परचेस करते हैं, लाइव बैचेस परचेस करते हैं, प्लैटिनम पैकेज, वीडियो कोर्सेस, सारे प्रोडक्ट पर आपको 35% का डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन आपको नासा कोड अप्लाई करना है, नासा NASA, नासा कोड अप्लाई करते ही आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये ऑफर केवल 24 सितंबर तक वैलिड है। ठीक है, देख लीजिए, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वेयर हैज द सेंटर अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो मतलब कि केंद्र सरकार कहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ आयुष का सेंटर ओपन करने वाला है, ये क्वेश्चन हमारा पहले है और इसका आंसर आपको देना है। व्हाट इज द राइट आंसर, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है। थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करें, वॉल्यूम तो सही है यार मेरे ख्याल से। पहला क्वेश्चन आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाक से दूसरे क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर देना शुरू करें। और यहां पर आंसर आ रहा है गुजरात। अंशुल बोल रहे हैं गुजरात, यहां पे क्या गुजरात आंसर होगा। उड़ीसा, असम, सिक्किम, नागालैंड। सेंटर अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, वी आर 5 ऑप्शन। हरपाल भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यहां पर सिक्किम, गुजरात दो आंसर आ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ननोदीस। ननोदीस क्यों होगा, क्योंकि केंद्र सरकार मेघालय में डायरेक्टरेट ऑफ आयुष खोलने वाली है। मेघालय आंसर हमारा हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, मेघालय हमारा पहला आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देख लीजिए यहाँ पे। व्हाट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर द फाइनेंशियल 21 एज पर द नोमुरा। नोमुरा के हिसाब से हमारे देश की ग्रोथ रेट कितनी होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 21 में। माइनस की बात है, माइनस में कितनी, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है। सारे बच्चे गुजरात बोल रहे हैं, क्या इसका आंसर होगा गाइस, जल्दी जल्दी फटाफट। और सेशन को शेयर करते चले, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए है, आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए है। तो दूसरों को भी योगदान दें, दूसरे के लिए भी योगदान दें, यहां पर लेकर आए। और आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा, आंसर आ रहे हैं अपने आप, एंड द आंसर इज -10.8%। तो अगर हम बात करते हैं नोमुरा की, तो नोमुरा ने हमारे देश की ग्रोथ रेट को -10.8% बोला हुआ है। बिल्कुल सही आंसर ये आप लोग आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो रेल स्टेशन ऑफ तमिलनाडु हैज बीन नेम्ड आफ्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता एज अनाउंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट चेन्नई में तीन तीन मेट्रो स्टेशन का नाम अपने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के नाम पे रखेंगे। तीन चीफ मिनिस्टर, तीन मेट्रो स्टेशन, तो उसमें से एक जयललिता का पूछा गया है कि जयललिता जी के नाम पर कौन सा मेट्रो स्टेशन होगा, ये आपसे पूछा गया है। आंसर क्या, देख लीजिए व्हाट इज द आंसर। ये कब का, ये मिक्स है, ये मिक्स है गाइस। आंसर क्या होगा, यहां पर लोग अपने अपने आंसर दे रहे हैं और इसका आंसर होगा CMBT स्टेशन। तो CMBT स्टेशन का नाम चेंज करके जयललिता जी के नाम पे पड़ जाएगा। आप देखें यहां पर, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है कि चेन्नई के तीन मेट्रो स्टेशन का नाम तीन चीफ मिनिस्टर अन्नादुरई, MG रामचंद्रन और जयललिता के नाम पर रखा जाएगा। तो अलंदुर स्टेशन का नाम रखा जाएगा किसके नाम पर, अन्नादुरई जी के नाम पर। सेंट्रल मेट्रो का नाम रखा जाएगा किसके नाम पर, MG रामाचंद के नाम पर। और CMBT स्टेशन नाम रखा जाएगा जयललिता जी के नाम पर। तो यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग गलतियां कर रहे हैं गाइस, एग्जाम पास में है, इतनी बड़ी बड़ी गलती। चलो क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट एवर व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे रैन ऑन August 1, स्टार्टेड फ्रॉम पंजाब एंड वॉज डेस्टिन्ड फॉर विच स्टेट। तो 1 अगस्त को उत्तरी रेलवे की पहली व्यापार मेला एक्सप्रेस पंजाब से शुरू हुई और किस राज्य के लिए प्रस्थान की गई थी। यहां पर 5 ऑप्शन आपके पास हैं। पहली बार व्यापार मेला एक्सप्रेस की हम बात कर रहे हैं, यह नॉर्दर्न रेलवे ने शुरू किया, पंजाब से यह शुरू हुई कहानी और कहां पे खत्म हुई, यह आपसे पूछा गया है। आंसर क्या होगा, पार्थ पूछ रहे वेयर विल आई गेट PDF। GA अभिजीत सर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे। और आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, एंड द राइट आंसर इज त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर B। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में एक स्टेशन है जिरानिया, वहां पर यह 46 वैगन की ट्रेन जाएगी। व्यापार मेला एक्सप्रेस पंजाब से शुरू हुई, सिक्किम में खत्म होगी, ठीक है। चलिए यह भी हमने आपको बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फ्रॉम द वुमेन्स वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप ऑफ विच स्पोर्ट्स गोइंग टू बी हेल्ड इन दिसंबर हैज इंडिया विदड्रॉ ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रिपरेशन।
महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप से जो कि दिसंबर में होने वाला है, तैयारी करने के कारण भारत ने वापस ले लिया है, वो कौन सी महिला टीम है? बास्केटबॉल टीम है, स्क्वैश टीम है, टेबल टेनिस टीम है, क्रिकेट टीम है, या टेनिस टीम है? यहाँ पे लॉन टेनिस कर देना सही होगा, लॉन टेनिस, ठीक है? आपका आंसर क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पे, जल्दी से आंसर दे गाइस, इंपॉर्टेंट सेशन हमारा है, पांच ऑप्शन हमारे पास है, आंसर क्या होने वाला है देख लीजिए। यहां पर आप लोग बोल रहे हो स्क्वैश, क्या स्क्वैश सही आंसर होगा? तो स्क्वैश बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विद्रॉ कर लिया है कि हमारी वुमेन टीम जो है वो स्क्वैश चैंपियनशिप में नहीं खेलेगी, जो कि क्वालालंपुर मलेशिया में होने वाला था। यानी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडियन स्क्वैश टीम ने विद्रॉ कर लिया है, ये इवेंट कहां होने वाला था? क्वालालंपुर मलेशिया में होने वाला था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछा गया कि एयर मार्शल वी आर चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ विच कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो एयर मार्शल वी आर चौधरी को भारतीय वायुसेना के किस कमांड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? पांच ऑप्शन आपके पास हैं, सेंट्रल एयर कमांड, साउदर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एंड नॉर्दर्न एयर कमांड। व्हाट इज द आंसर? यीशु, थैंक यू सो मच भाई, लव यू भाई। वे फाइव ऑप्शन गाइस, जल्दी जल्दी आंसर करें, फटाफट आंसर करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एंड द आंसर इज वेस्टर्न एयर कमांड, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो वी आर चौधरी को एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है वेस्टर्न एयर कमांड का, ठीक है? ये एयर मार्शल बी सुरेश को रिप्लेस करेंगे, ये एयर मार्शल बी सुरेश को रिप्लेस करेंगे, ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं गाइस। In which of the following district did Haryana Horticulture Department organize a 5-day subtropical fruit export 2020? आपसे बोला गया है कि हरियाणा बागवानी विभाग ने निम्नलिखित में से किस जिले में 5 दिन का एक उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया? 5-day सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा, ठीक है? जल्दी से, बुराड़ी डिस्ट्रिक्ट में और हिसार डिस्ट्रिक्ट में और जिंद डिस्ट्रिक्ट में, पंचकुला, क्या इसका आंसर होने वाला है? ध्यान देना, पंचकुला में, पंचकुला में यूथ इंडिया खेलो गेम्स होगा 2021 में, ठीक है? ये भी ध्यान दो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है। विक्रम अधिकारी बोल रहे हैं हिसार, ठीक है, पंचकुला, पंचकुला और हिसार, पंचकुला और हिसार आंसर आ रहा है। इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर ई। तो ये कहां पर हुआ? तो हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो जो है वो कहां लॉन्च किया? कुरुक्षेत्र में, ध्यान देना। और ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो को हम क्या बोलेंगे? इंडो इजराइल एक्सपो भी बोल सकते हैं हम लोग, इंडो इजराइल एक्सपो भी हम बोल सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र में होगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस इज राइट आंसर, ठीक है? आप लोग की तैयारी समझ आ रही है मुझे, बढ़िया। और जब एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे तो मुझे ब्लेम करना, ठीक? चलो नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट फॉर द इनोवेटर्स एंड द स्टार्टअप। हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी की 5वीं पुण्यतिथि के, मतलब उनकी डेथ हुई थी, तो 5th डेथ एनिवर्सरी के मौके पर डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट रखा गया। तो किसने रखा? नीति आयोग, DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ IT, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और नन ऑफ दीस। पांच ऑप्शन हमारे पास है, इसका आंसर हम क्या देने वाले हैं? जल्दी से आंसर देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाक से, ठीक है? क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से यहां पर DRDO आंसर आ रहा है, क्या ये सही आंसर है DRDO? अगर आप DRDO बोल रहे हैं तो मैं बड़े खुशी के साथ बोलता हूं कि आप सही बोल रहे हैं, DRDO ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है? तो DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट लॉन्च किया, और ये कॉन्टेस्ट 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में किया गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द डायरेक्टर एंड CEO एंड द डायरेक्टर ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के CEO और निदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? सिंपल क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? आंसर आने शुरू हो गए हैं, आई डोंट थिंक कि मतलब आप लोग सही आंसर दे रहे हो, बट आंसर आने शुरू हो गए हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आलोक मिश्रा जी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क ने डॉक्टर आलोक मिश्रा को अपना 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 क्या बनाया है, अपना CEO बनाया है और डायरेक्टर बनाया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियन नेवी लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कमीशन इन जुलाई 2020। जुलाई 2020 में भारतीय नेवी, इंडियन नेवी ने अपना सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पे शुरू कर दिया, स्थापित कर दिया है? और केरला में किया है, केरला में किया है, केरला में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये आपसे पूछा गया है? पोथिगई, एजीमाला, मारोथिचल,
माथुरमाला एंड कमपुरवा, पांच ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है क्या इसका आंसर होगा। ठीक है ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं, आंसर आने शुरू हो गए हैं। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस, जल्दी से आंसर दें फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अपने अपने हिसाब से आंसर कर रहे हो। ठीक है ठीक है, और इसका आंसर होगा एजीमाला, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, तो इंडियन नेवी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पे खुला? एजीमाला। एजीमाला कहां पे बेटा? ये कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप अ स्मार्ट रिस्ट बैंड फॉर इफेक्टिव ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द COVID-19 पॉजिटिव एंड सस्पेक्ट पेशेंट? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने COVID-19 के पॉजिटिव और सस्पेक्ट रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग करने के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड डेवलप किया है? यहां पर पांच ऑप्शन आपके पास है, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको सही देना क्या इसका आंसर है। जल्दी से आंसर करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट फटाफट। और यहां पे आंसर आ रहे हैं जोधपुर, ऋषिकेश, नागपुर, ऋषिकेश, नागपुर, ऋषिकेश, नागपुर, यही आंसर आ रहे हैं। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि शायद आपका आंसर गलत है, कुछ लोग का आंसर गलत है, कुछ का सही है। आंसर इज नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्यों होगा? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा एम्स नागपुर, जो नागपुर वाले भाई लोग हैं सही। तो एम्स नागपुर ने स्मार्ट रिस्टबैंड डेवलप किया है और इसमें हेल्प की है IIT जोधपुर और IIT नागपुर के रिसर्चर्स ने। तो एम्स नागपुर इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटले ऑफ मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट? मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अंडर द जल जीवन मिशन, हर घर जल स्कीम, फॉर विच द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाई द पीएम मोदी इन July 2020। तो आपसे पूछा गया है कि जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना के तहत मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना का परिवय क्या है, जिसके जिसकी आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखी July 2020 में? व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होने वाला देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट गाइस, व्हाट इज द आंसर? वी हैव फाइव ऑप्शन, पांच ऑप्शन हमारे पास है, आंसर आने शुरू हो गए हैं। अभी तक तो आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 3050 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। तो 3050 करोड़, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिनका भी गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर में 3050 करोड़ रुपए की मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की नींव रखी, जो कि जल जीवन मिशन हर घर जल स्कीम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत है कोई बात नहीं, हम सीख तो रहे हैं ना, हम बच्चे तो हैं भी। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मच हैज बीन सैंक्शन अंडर अ स्पेशल स्कीम स्वामी टू इंश्योर कंप्लीशन ऑफ अबाउट 60,000 हाउसेस बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? देखिए गाइस, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे फ्लैट हैं, बिल्डर्स हैं, जिन्होंने अपनी बिल्डिंग को आधी अधूरी छोड़ दी है, और जिन्होंने जिन जिन व्यक्तियों ने परचेस किया है वो बेचारे फंसे हुए हैं। तो जो बिल्डिंग्स आधी अधूरी है उसको प्रॉपर बनाकर उनके घर मालिकों को देने के लिए भारत सरकार ने स्वामी स्कीम चलाई, और इस स्कीम के तहत बिल्डर्स को या जो मतलब जो बिजनेसमैन है उन्हें कितना अमाउंट दिया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? आप लोग के आंसर्स आ रहे हैं और अभी तक सही आ रहे हैं, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 8767 करोड़, 8767 करोड़, ऑप्शन नंबर डी। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंसमेंट किया है कि यहां पर देखो 8700 करोड़ लिखा है, जबकि ये 8767 करोड़ रुपीस पूरा पूरा है। ठीक है, स्वामी स्कीम के अंतर्गत। ठीक, अब ये स्वामी का फुल फॉर्म क्या है? द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्कीम स्वामी, यानी कि स्वामी का फुल फॉर्म आपको लर्न करना है, आपके एग्जाम में एब्रीविएशन से एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्कीम स्वामी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग NBFC हैज लॉन्च अ पोर्टल रीस्टार्ट इंडिया, अ फ्री मेंटोरिंग प्लेटफॉर्म टू हेल्प द MSME, यानी MSME को हेल्प करने के लिए, उन्हें मेंटोरशिप देने के लिए, उन्हें गाइड देने के लिए किस NBFC ने रीस्टार्ट इंडिया नाम का एक पोर्टल डेवलप किया है? सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा वो हम बात कर लें। ठीक है, गाइडली माता भी हमारे बीच में आ चुकी हैं, गाइडली माता की जय, और जो वो कह रही हैं वो करो वरना पाप पड़ जाएगा, है ना। आंसर की बात कर लें गाइस, जल्दी से आंसर दें, फटाफट आंसर दें क्या इसका आंसर होगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्टार बोल रहे हैं मुथूट फिनकॉर्प, मुथूट फिनकॉर्प। अच्छा, और देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं आंसर का थोड़ा सा, क्योंकि वेट ठीक है लेकिन
क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए हमारा, एंड द राइट आंसर इज मुथूट फिनकॉर्प, ऑप्शन नंबर डी। तो मुथूट फिनकॉर्प ने रीस्टार्ट इंडिया नाम का पोर्टल डेवलप किया है जो कि मेंटरशिप करेगा एमएसएमई को, जो भी एमएसएमई कोविड पैंडेमिक की वजह से बंद हो गए थे और अपना बिजनेस रीस्टार्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गाइस, विच स्टेट हैज लॉन्च वन स्टॉप शॉप स्कीम टू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट एंड हेल्प रिवाइव इंडस्ट्रीज इन द मिडस्ट ऑफ द कोविड 19 पैंडेमिक। तो किस राज्य ने कोविड 19 महामारी के बीच तेजी से निवेश करने और उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट। आंसर आपको देना, क्या इसका आंसर है देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आंसर आ रहे हैं सोना अरविंद बोल रहे हैं पंजाब, क्या ये सही आंसर है? ठीक है, और देख लेते हैं, दीपक अग्रवाल बोल रहे हैं राजस्थान, ऑप्शन में नहीं है। वैशाली थापा बोल रहे हैं राजस्थान, ऑप्शन में नहीं है बेटा। चलो जल्दी 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 जल्दी, वैभव बोल रहे हैं एमपी, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर राजस्थान होगा, यानी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ई। तो वन स्टॉप शॉप स्कीम की बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया था, राजस्थान हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एको जर्नल इंश्योरेंस हैज टाइड अप विद विच प्लेटफॉर्म टू सेल इट्स मोटर व्हीकल पॉलिसीज ऑन द लेटर। यानी कहने का मतलब कि एको जर्नल इंश्योरेंस ने इसमें से किस प्लेटफॉर्म से टाई अप किया है, और इस प्लेटफॉर्म पर आपको एको जर्नल इंश्योरेंस की पॉलिसीज मिल जाएंगी, आप परचेस कर सकते हो पेटीएम, गूगल पे, पेपैल, फोन पे, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द आंसर? वी हैव फाइव ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर गाइस? जल्दी जल्दी फटाफट बोल दें क्या इसका आंसर होगा। Echo General Insurance has tied up with which platform to sell its motor vehicles policies on the letter? और answer की बात करें यहाँ पर तो लोग अपने अपने answer कर रहे हैं, जो भी तुक्का लग जाए, और इसका answer होगा Amazon। तो Amazon, Amazon Pay या Amazon की बात करें तो Amazon से Echo का contract हुआ है। ठीक है, तो Amazon is right answer, मतलब option number 5, none of these। Next question, in a reshuffle in July, P. Ambudha has been appointed as the joint secretary in which of the following? तो पी अंबुदा को अपॉइंट किया गया है एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी इन विच डिपार्टमेंट, लाइक प्रेसिडेंट ऑफिस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, नीति आयोग, कहां पर इनको अपॉइंट किया गया एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी? पांच ऑप्शन हमारे पास है। रेड स्काई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलिए आंसर की बात करते हैं, व्हाट इज द आंसर? वी हैव फाइव ऑप्शंस, जल्दी जल्दी बात कर ले फटाफट, जितने जल्दी आप आंसर्स करोगे उतने जल्दी आगे बढ़ेंगे। और आंसर की बात कर लें तो प्रतुषा बोल रही है पीएमओ ऑफिस में, अच्छा और देख लेते हैं यहाँ पे, एंड द आंसर इज पीएमओ ऑफिस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो पी अंबुदा को एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है इन द पीएमओ ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड द बुक द पैंडेमिक सेंचुरी 100 ईयर ऑफ पैनिक हिस्टीरिया एंड हबरीज। तो एक बुक आई है द पैंडेमिक सेंचुरी 100 ईयर ऑफ पैनिक हिस्टीरिया एंड हैरिस, पुस्तक किसने लिखी है? पांच ऑप्शन आपके पास आ गए हैं, बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन तुम्हारा ही आएगा। तो ठीक है, सारे बुक्स ऑथर आपको मैंने कई बार रिवीजन भी करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपको देना है क्या इसका आंसर, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। और आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा? वी हैव फाइव ऑप्शन, और राइट आंसर की बात कर लेंगे बेटा तो राइट आंसर इसका क्या होगा, लोग अपने अपने हिसाब से आंसर कर रहे हैं, और यहां बोल रहे हैं मार्क, तो इसका आंसर है मार्क होनिक्स वन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो मार्क आपने मेरा सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, जय माता दी, तुक्का लग गया। नेक्स्ट पॉइंट, हु विल हेड द कमेटी फॉर्म बाय द एचआरडी मिनिस्ट्री टू फॉर्म गाइडलाइंस एंड सजेस्ट मेजर्स टू इंश्योर दैट मोर स्टूडेंट स्टडी इन इंडिया। कोविड 19 की वजह से जो भी स्टूडेंट फॉरेन के थे, जो इंडिया में पढ़ाई कर रहे थे, वो अपने अपने घरों चले गए, घरों को चले गए। तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने कमेटी बनाई है कि कैसे हम इन बच्चों को वापस अट्रैक्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंडिया में पढ़ें, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी को लीड कौन करेगा, ये आपसे पूछा गया है। वी हैव फाइव ऑप्शन, आपको इसका सही आंसर देना है, व्हाट इज द राइट आंसर? ठीक है, ठीक है, यहां पर फिर से आंसर आने लगे हैं, और आंसर क्या होगा? आंसर होगा डीपी सिंह, डीपी सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने कमेटी बनाई है, क्यों बनाई है वो मालूम चल गया, और इसको लीड करेंगे डीपी सिंह। डीपी सिंह कौन है भाई? तो ये चेयरमैन है ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। तो यूजीसी के चेयरमैन कौन है? डीपी सिंह, जो इस कमेटी को लीड करने वाले हैं। आंसर आप लोगों ने सही दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आज मॉर्निंग में ही मैं आपको बता रहा था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई निकालता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ निकालता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्रॉस एनपीए, बैंकों का ग्रॉस एनपीए जो है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा मार्च 2021 में, अगले साल, मतलब मार्च 2021 में, क्योंकि गाइस आपको पता है
पैंडेमिक की वजह से भारत सरकार ने एमएसएमई को या बहुत सारे मतलब जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब विदाउट एनी सिक्योरिटी लोन देने की बात बोली है। तो बैंक का एनपीए बढ़ेगा, कितना परसेंट पड़ेगा ये आपसे पूछा गया है, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, आंसर इज 12.5%, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से अगले साल 31 मार्च 2020 तक बैंकों का जो एनपीए है वो 12.5% तक बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा संलयन रिएक्टर किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। आंसर आपको देना है साउथ कोरिया, जापान, रशिया, इंडिया, फ्रांस। मजे की बात यह है कि इस रिएक्टर को एलएमटी ने बनाया, लार्सन एंड टर्बो ने बनाया, किस देश में बनाया यह आपसे पूछा गया। पार्थ बोल रहे हैं कि सर टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पार्थ जी, मन की आंखों से मत देखिए, ओरिजिनल आंखों से देखिए, जरूर पीडीएफ मिलेगा आपको। ठीक है, और क्या सेशन के बीच में पीडीएफ में दे दूंगा क्या? सेशन खत्म होगा, 5 मिनट में रेस्ट करूंगा, थोड़ा मन में गाना वाना गाऊंगा तब ना दूंगा भाई, तो काहे परेशान हो रहे हो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रांस। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर एग्जैक्टली में गाइस, ये कुछ देशों का एक ग्रुप है जो कि फ्यूजन रिएक्टर्स बनाते हैं, ये फ्रांस में बना है, देख लीजिए। तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है वो कहां बना? वो बना फ्रांस में। ठीक, फ्रांस में बना। और अगर हम बात करें तो ये जो रिएक्टर है ये किसने बनाया? ये लार्सन एंड टर्बो ने बनाया। तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर एक ग्रुप मैंने बोला था, इसके मेंबर देश कौन से हैं? चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, रशिया है और यूएस है, ये सब मेंबर कंट्री है। हाँ, मैंने आपसे क्या बोला बेटा, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर अब देखो ये साइंस की बात हो जाएगी, सन में इतनी एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि वहां के जो वहां के एटम होते हैं उनके बीच में नाभिकीय संलयन होता है। आपको पता है गाइस, संलयन से इतनी ऊर्जा निकलती है जो हाइड्रोजन बम जिससे बनता है वो। तो भाई सिंपल सी बात है, अब वो मैं साइंस में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा डीप में चला जाऊंगा, तुम इतना समझो कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ये इस टाइप के रिएक्टर होते हैं जो फ्यूजन बेस्ड होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसीव द स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स ब्लॉकचेन बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट? तो किस राज्य की सरकार ने अपने ब्लॉकचेन आधारित संपत्ति पंजीकरण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है? 5 ऑप्शन आपके पास है, आंसर क्या होगा देख लीजिए यहां पे। व्हाट इज द आंसर गाइस? जल्दी से आंसर देते हैं क्या इसका आंसर होगा, और आंसर अभी नहीं आ रहे हैं। तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ठीक है, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, यही आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 3। यार वेस्ट बंगाल को कौन सा अवार्ड मिला है, मैंने उसके भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं भाई लोग? वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जो कंप्लेंट पोर्टल था उसके लिए उनको अवार्ड मिला है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज्ड ड्रोन फॉर एरियल सीडिंग टू इंक्रीज ग्रीन कवर इन अरावली रिसेंटली, विच IIT डिजाइन द सीडिंग ड्रोन? तो हरियाणा के वन विभाग ने अरावली जो इनका अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसमें ग्रीनरी कवर बढ़ाने के लिए ड्रोन का यूज किया है, और ड्रोन के थ्रू बीज डाले जा रहे हैं। तो ये जो सीडिंग ड्रोन है इसे किसने डेवलप किया है? दिल्ली ने, बॉम्बे ने, मद्रास ने, कानपुर ने, गांधीनगर में? व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताएं गाइस। और यहाँ पे आंसर आ रहे हैं IIT कानपुर, IIT दिल्ली, मतलब मन की बातें हैं, दिल की बातें जो सामने आ रही है आंसर में। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर 4। IIT कानपुर दिल्ली नहीं, कानपुर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, तो देख लो भैया, अरावली एरिया ऑफ हरियाणा, ठीक है, तो हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सीडिंग ड्रोन का यूज कर रहे हैं, और ये सीडिंग ड्रोन जो है वो IIT कानपुर ने डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। The business with a annual turnover of up to this rupees are exempted from the GST. तो अभी GST काउंसिल का नया निर्णय आया है कि पहले अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक होता था तो आपको GST में छूट मिलती थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। और कितना कर दिया गया है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 40 लाख रुपीज, ये याद कर लेंगे हम लोग, जरूरी याद करना। ठीक है, तो 40 लाख तक अब GST पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोग को, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे गाइस। देखिए यहाँ पे, Find the organization which organized the virtual Indo-Japan Business Forum. मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि इंडो जापान बिजनेस फोरम जो है ये कर्नाटका में हुआ।
कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो जापानीज इंडस्ट्रीज को एक लैंड अलॉट कर रही है सब्सिडी रेट पर कि आप यहाँ पर आइए और आकर बिजनेस करिए, क्योंकि आपको पता है कि जापान ने खुद बोल रखा है कि जापान की कंपनी जो चाइना में काम कर रही है उन्हें इंडिया या फिर एशियन कंट्री में शिफ्ट होना चाहिए, उसके लिए जापान अलग से फंड दे रहा है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जोर दे रही है कि जापान कंपनी वहां पर है। तो इंडो जापान बिजनेस फोरम अभी कर्नाटका में हुआ, ठीक है। उसके आंसर की बात करें, आंसर इज इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, आईसीसी। तो इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। देख लीजिए, तो कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा ने एड्रेस किया वर्चुअल इंडो जापान बिजनेस फोरम को, जो कि इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। कर्नाटका जापानी कंपनी को 519 एकड़ का लैंड भी दे रहा है, जो मैंने आपसे बोला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कॉन्टिनेंट वॉज डिक्लेयर वाइल्ड पोलियो फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन अगस्त 2020? केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो देश ऐसे बचे हैं जहां पर वाइल्ड पोलियो है, ये भी आपको मैंने पढ़ाया है। तो वाइल्ड पोलियो फ्री कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपसे पूछा गया। मेरे हिसाब से सारे बच्चे इसका आंसर सही देंगे, मुझे पता है, ठीक है। शुक्ला जी ने आंसर दिया, बोल रही है अफ्रीका। क्या ये अफ्रीका सही आंसर है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट बिल्कुल सही आंसर है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए, वहां पर वैसे भी वाइल्ड लोग ही रहते हैं, तो वाइल्ड पोलियो तो होना ही होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च वन स्टॉप बिजनेस सोल्यूशन नेम्ड ओमनी कलेक्ट इन इंडिया? तो किस बैंक ने भारत में ओमनी कलेक्ट नाम का एक वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन लॉन्च किया है? अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रखता है। आंसर क्या होगा वो हम देख लेते हैं यहां पे, ठीक है। अफ्रीका वाला तो ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं, सारे बच्चे बोल रहे हैं एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक का सही आंसर है, तो एचएसबीसी बैंक बिल्कुल सही आंसर है। तो एचएसबीसी बैंक ने भारत में अपना ओमनी कलेक्ट नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नहीं याद हो तो याद है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द बैंक विच हैज इंट्रोड्यूस लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर द इंडियन यूथ। लिबर्टी सेविंग अकाउंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, मुझे खुद लग रहा है कि मैंने तो सिंपल क्यों पूछा। तो लिबर्टी सेविंग अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है, हमको पता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर 5। तो एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हाउ मैनी परसेंट वॉज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड केसेस? 1 लाख से ऊपर की बात हो रही है इन द फाइनेंशियल ईयर 20। तो वित्तीय वर्ष 2020 में 1 लाख से ऊपर के जुड़े मामलों में कितने परसेंट बैंक फ्रॉड में वृद्धि हुई है? आंसर दीजिएगा ऐसा आंसर जल्दी से, ठीक है। आंसर की बात कर लेते हैं गाइस, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। आंसर की बात करते हैं तो 28%, 28% की बढ़ोतरी आई है, देखने को मिली है, जो हम यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करें तो बैंक फ्रॉड ऑफ रुपीज 1 लाख एंड अबव हैव मोर देन डबल इन वैल्यू, 1.85 ट्रिलियन रुपीज बोल लीजिए या फिर 28% बोल लीजिए, इतनी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 1.85 ट्रिलियन। नेक्स्ट पॉइंट, विच एडिशन ऑफ द इंडिया वियतनाम ज्वाइंट कमीशन मीटिंग वॉज हेल्ड रिसेंटली? तो हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इसको इसको लीड किया था हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने। मैं आपको यह भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कौन सा एडिशन था इंडिया और वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक का, ठीक है। आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर है? मेरा सही है कुंदन जी, मेरा सही है। लोग तब बोलते हैं जब तुक्का मारते हैं और सही हो जाता है, खुशी अंदर से निकलती है, ओवरफ्लो हो जाती है, अरे यार तुक्का मारा सही हो गया, भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एग्जाम में हो जाए तो ना भाई। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 17th, ऑप्शन नंबर 5। तो 17वां ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आपने बोला। तो 17th मीटिंग ऑफ द इंडियन वियतनाम ज्वाइंट कमीशन ये हुआ और सुब्रमण्यम जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ये मालूम है। और वियतनाम के जो विदेश मंत्री हैं, नाम क्या है, फाम भिन मिन भिन मिन, ठीक है, मक्खियां करती है ना भिन भिन, याद कर लो उस तरह से। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा किसी की भी बेइज्जती करने का कोई ना अधिकार है ना मैं लायक हूं भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपके आरआरबी जैसे एग्जाम्स में न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्लांट पूछा जाता है, ठीक है। तो कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? स्टैटिक क्वेश्चन है ये। तो कैगा एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, पंजाब में है या छत्तीसगढ़ में है? 5 ऑप्शन आपके पास है, सारे पावर प्लांट याद कर लीजिए। न्यूक्लियर तो याद कर लीजिए, 9-10 ही है, याद हो जाएंगे आराम से। आंसर क्या होगा? प्रियंका चौधरी, मुझे कुछ नहीं आता, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता है। पढ़िए पढ़िए,
चलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर थ्री। तुम लोग यहाँ बड़े तेज हो गए हो। तो कैगा एटॉमिक पावर प्लांट की बात करें तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, और ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कलेसर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये तो बहुत ही सिंपल है, और अगर आपने अभी तक मेरा ट्रिक टू रिमेंबर नेशनल पार्क गाइडली वाला नहीं देखा है तो देख लीजिए, एक ही पार्ट में सारे मैंने पढ़ा दिए आपको, नेशनल पार्क पढ़ा दिए, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा उसकी हम बात कर लें, आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी फटाफट 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 फटाफट, ठीक है। तो कलेसर नेशनल पार्क की बात करें भाई, जिसकी भी बफरिंग हो रही है वो टीवी सीरियल मोबाइल पे कम देखा करो थोड़ा सा, तो वहां पे नेट बच जाएगा, तो यहां पे बढ़िया से देख लोगे, है ना। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन था भाई लोग। चलो, विच स्टेट ऑब्लिक यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन फॉर द स्टूडेंट। मैंने ये पढ़ाया करंट अफेयर्स में अपने, इसमें मैंने पढ़ाया अपने करंट अफेयर्स में, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, व्हाट इज द आंसर। टेलीग्राम का लिंक या नाम सेव कर लो, जीए भाई अभिजीत सर, जीए भाई अभिजीत सर याद कर लो। चलो आंसर तो बड़ा सिंपल है, दिल्ली ऑप्शन नंबर फाइव इज राइट आंसर, दिल्ली गवर्नमेंट ने हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन लॉन्च किया था, ठीक है। आगे बढ़े, विच कंपनी कोलाबोरेटेड विद द नेपाल सस्तो डील टू ओपन न्यू मार्केट फॉर MSME। तो गाइस आपको बताया कि नेपाल सस्तो डील की बात करें तो क्या इसका आंसर होगा, ये मैं कई बार जीए मेंस अपनी इसी सीरीज में ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, और ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक। चलो आंसर क्या होगा देख लेते हैं यहां पर, आंसर 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 फटाफट, आंसर इज फ्लिपकार्ट ऑप्शन नंबर टू, फ्लिपकार्ट ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर, फ्लिपकार्ट ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे गाइस, देखिए यहाँ पे, नेम द विनर ऑफ द फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020। तो वर्ष 2020 के फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, ये आपसे पूछा गया है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड फुटबॉल राइटर एसोसिएशन के द्वारा दिया गया किसको, ये आपसे पूछ लिया गया। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा, जल्दी जल्दी गाइस। कल आप लोगों का वो फटाफट रिवीजन क्लास है, और MOU और एग्रीमेंट पे रिवीजन क्लास आपकी है, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज जॉर्डन हैंडरसन ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च द एस्ट्रोस मिशन टू स्टडी कॉस्मोस बाय सेंडिंग अ टेलीस्कोप ऑन अ फुटबॉल स्टेडियम साइज बैलून। तो फुटबॉल स्टेडियम के आकार के गुब्बारे पर दूरबीन लगाकर उसे कॉस्मोस का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस मिशन शुरू करने के लिए कौन सा देश निर्धारित है। मतलब सिंपल सा है कि ये जो देश है ये एक इस रिसर्च करेगा कॉस्मोस रेस पर, उसके लिए क्या है, उसके लिए एक फुटबॉल साइज का बैलून उस पर टेलीस्कोप लगाया जाएगा, और इस पूरे मिशन को हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरे मिशन को एस्ट्रोस हम बोल रहे हैं। वो कौन सा किसका है, वो तो वो किसका है, तो वो है आपका नासा का, मतलब US का, ऑप्शन नंबर सी। तो नासा जो है वो एस्ट्रोस मिशन लॉन्च कर रही है, और इसमें क्या है आपको मालूम चल गया है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हु हैड द फाइव मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू द चार्टर ऑफ ड्यूटीज ऑफ द 57 DRDO लैब। इस क्वेश्चन को हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सिनेरियो में DRDO का क्या योगदान हमारे देश में डिफेंस में हो सकता है। इसके लिए रेड्डी जी ने कमेटी बनाई है, और इस कमेटी को लीड कौन करेगा, मैक्सिमम बार मतलब 5-6 बार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि आप लोग सही इसका आंसर भी दे लोगे, ठीक है। जग्गू भाई बोल रहे हैं एस सोमनाथ, क्या ये सही आंसर होगा, देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर, ये क्वेश्चन मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ यार, इसका आंसर होगा वी रामगोपाल राव, ऑप्शन नंबर वन। ये वी रामगोपाल राव कौन है भाई, ये IIT दिल्ली के डायरेक्टर हैं। जी सतीश रेड्डी कौन है भैया, तो ये कौन है, ये चेयरमैन है DRDO के, इन्होंने 5 मेंबर की कमेटी बनाई है, इस कमेटी को लीड करेंगे वी रामगोपाल राव जी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हु हैज बैग द 2020 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। यंगेस्ट ऑथर हैं ये जिनको ये अवार्ड मिला है, तो ये क्वेश्चन तो मतलब इतना सिंपल है भाई, सिंपल सी बात है, मैन बुकर वगैरह आपके एग्जाम में आता है, और आपको पता है कि क्या इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इनकी इनकी नॉवेल का नाम भी आपको दिया गया है, इनका नाम को बताना है, क्या इसका आंसर होगा देख लेते हैं यहां पर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मरियके लुकास रिच निविल्स है, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। और अगर हम बात करें तो देख लीजिए यहां पे, तो डच ऑथर है, डच ऑथर है ये, डच ऑथर, तो इनका नाम आपको मालूम चल गया, इनको 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, इनकी जो बुक थी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग,
ठीक है, आगे बात करें गाइस। तो ये जो लुकास हैं, ये यंगेस्ट ऑथर बन गई हैं जिनको मतलब बुकर प्राइज मिला है। और अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है मिशेल हटचिंसन ने, तो ये भी नाम याद कर लीजिएगा। हो सकता हो कि क्वेश्चन बन जाए कि भाई किसने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो ये भी आपको मालूम है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंट इंडिया इन द फिफ्थ ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। तो 2020 में जो ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है वो सारी रशिया में हो रही है, ठीक है, रशिया में हो रही है। और 2021 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इंडिया के पास आ जाएगी, सारी मीटिंग इंडिया में होगी, ठीक है। चलिए, अब ये पूछा गया कि फिफ्थ ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया, ये आपसे पूछा गया है। पांच ऑप्शन आपके पास हैं, आप क्या आंसर देंगे देख लेते हैं। यहाँ पे फटाफट आंसर, जल्दी जल्दी आंसर देगा इस, फिर हम आगे बढ़े अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और इसका आंसर होगा सोम प्रकाश जी, ऑप्शन नंबर टू। क्यों सोम प्रकाश जी? तो सोम प्रकाश जी कौन है भाई? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री। तो इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन द फिफ्थ ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर मीटिंग, जो कि वर्चुअली हुआ, ठीक है, ये आपको मालूम चल गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। हमारा लास्ट क्वेश्चन, IIT Alumni Council, along with RASFT and which university going to build the world largest and fastest hybrid quantum computer in India? तो गाइस, ये तो आपको पता है कि IIT Alumni Council ने रशिया के साथ एग्रीमेंट किया था। रशिया की एक कंपनी है RASFT, और कौन सी यूनिवर्सिटी है जो मिलकर क्या बनाएंगे विश्व का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर? आंसर क्या हुआ देख लीजिए। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन हमारा है, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो IIT एल्युमनी काउंसिल, रशिया की लोमोनोसोव, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रेसॉफ्ट, इसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। चलिए, बढ़िया, अच्छी बात है। तो गाइज, बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पर, और कुछ आपने सीखा, कुछ मुझे सिखाया आपने। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में 7 AM पे फॉर द करंट अफेयर्स, और 11 बजे हम MOUs रिवीजन की बात करेंगे फटाफट क्लास में, ठीक है। और 35% डिस्काउंट चल रहा है नासा कोड लगाने पर, अगर आप कोई कोर्स परचेस करते हैं हमारा या टेस्ट सीरीज कुछ भी परचेस करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।